चाहत पांडे ने अब आटे को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरा माजरा, और पूरा माजरा सुनने के बाद, पूरी गॉसिप सुनने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर चाहत आखिरकार क्या कोशिश कर रही है करने की। चाहत जो है अब मॉनिटर बनी है, पर इसको ऐसा लगता है कि ये कैप्टन बन चुकी है, और ये बार बार यही बात सब लोगों को बोलती है कि जब भी कोई काम हो जाए जो ड्यूटी मैंने दी है वो आके मुझे बताओ। क्यों भाई, तुम्हारा कोई पोपट लगा है? तुमने असाइन की है ड्यूटी और उस वक्त पे वो ड्यूटी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद बर्तन धुलने चाहिए। कुछ टाइम के बाद जो है तुम खुद ही जाके उसको देखो कि वो ड्यूटी हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो तुम उस सदस्य के पास जाओ कि भाई तुम्हारी ड्यूटी नहीं हुई है। तुमको आके वो क्यों बोलेगा? तुम भी तो वहां पर जा सकती हो ना। वैसे बड़ी बड़ी महान जो है यहाँ पर चाहत पांडे बन रही है। ईशा ने जो है कुछ परांठे बनाए थे। ईशा ने परांठे बनाने के बाद जो है इसने चाहत ने पूछा था, ये आटा मतलब ये परांठे बना रहे हो, आटा किसका? तो उसने बोला था कि ये हमारा आटा है, जो वो बलिदान के वक्त पे जो मुझे मिला था उसके हम लोग परांठे बना के अपने लिए खा रहे हैं। तो बाद में चाहत को पता चला कि ये एक्चुअली में उनका आटा नहीं था, ये कॉमन आटा था। तो ये ले गई पूरा मुद्दा बग्गा और सारा के पास और बोलने लग गई कि भाई यहाँ पर ईशा जो है ये सब चीज़ें बोल रही है, पर इसने कॉमन आटे से जो है सब चीज़ें खाया था। क्या आप लोगों ने कॉमन आटा उनको दिया था एक्स्ट्रा पकाने के लिए? तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमने 2 पैकेट दिए थे, तो मे भी शायद उसमें से बचा होगा। तो बोली बचा होगा तो आखिरकार वो पर्सनली चीजें कैसे बना के खा सकते हैं? उनको जो है खुद अगर बच गया है आटा तो हम लोग उठा के आपको वापस दे देंगे। आप अगर वापस देना चाहते हैं हमें यूज करने के लिए तो सबके लिए यूज करके देंगे, पर यहां पर ऐसा करके ईशा बोल रही है। तो ये चाहत पांडे ने बग्गा को बोला, जहां पर जो सारा है वो भी चलने लग गई कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, सब चीजें जो है वो बराबर की होनी चाहिए, और मेरे को भी अंडे मिले थे, मुझे चीजें मिली थी, तो अब मैं भी तो सब लोगों को दे ही रही हूं बराबर का। तब ये त्याग वाला मतलब कि अलग है, वो चीज इनकी अपनी हो गई, बाकी चीजें जो कॉमन राशन है वो अलग हो गया। ये कैसी बात हुई? तो फिर मैं भी ये बात बोलूँ कि भाई मैंने जो त्याग से लिया था वो मेरा अलग है और कॉमन राशन अलग है, ये भी चीजें मैं भी बोल सकती हूँ। तो अब जो है कुछ ही देर पहले इवन ईशा जो है ये बात बोल रही थी शहजादा को, कि शहजादा अब सारा बोल रही है कि हमको आटा नहीं देगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा आटा खत्म नहीं होगा तब तक अब तुमको कॉमन आटा नहीं मिलेगा। तो मैंने आखिरकार क्या किया है? जो भी आटा बना था सबने खाया ना? तो वो बोला हाँ, इवन सारा ने खुद खाया है। जो परांठे तुमने बनाए थे वो सब परांठे जो है तुमने तो खाए, पर उसी दौरान ही बहुत सारे लोगों ने भी खाए, सारा ने भी खाए। ऐसे कैसे वो बोल सकती है? तो इस मुद्दे को लेके जो है शहजादा पहुंच गए सारा के पास, जहां पर अरफीन ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई अब तू न्यूट्रल बातें कर रहा है, तू उधर की भी बातें कर रहा है, इधर की भी बातें कर रहा है, ऐसा करने की तुझे जरूरत नहीं है। पर चाहत ने जो बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी वो मुद्दा बना चुकी है, और ईशा को उसने एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर दी है, जबकि ईशा ने वो राशन का पूरा मतलब कि सब लोगों को भी बांटा था, सब लोगों को भी दिया था जो भी परांठे उसने बनाए थे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।